हमारे प्रदेश का भाग पैदा करेगा। और जैसे कि बताया गया कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है प्रदेश के लिए और देश के लिए। ये दशक जिसने हम लोग अभी प्रारंभ किए, ये भारत के लिए निर्णायक होगा। और इस वक्त जो नेतृत्व देश में मोदी जी का है और प्रदेश में योगी जी का है, अगर इनकी आंखों को मजबूत नहीं किया तो जो धारा और जो दिशा और जिस पट्टी पे वो बड़ी मुश्किल से 5-7 वर्षों में देश को लाए वो उस पट्टी से उतर जाए। तो हम सब युवा भाइयों की जिम्मेदारी बनती है और कर्मठता से काम करके प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का संदेश गांव गांव और घर घर पहुंचाना है। मैं बता दिया, मैंने पहले ही बताया है कि ये सोच तो बहुत अच्छी हो सकती है, मगर प्रैक्टिकल रूप में अगर देखा जाए और जो लागू की गई है, जितने महिला नेतृत्व है कांग्रेस में वो तो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। मैं गिनाने पे आ जाऊँ तो रीटा भगुना, अदिति सिंह, रत्ना सिंह, अन्नु टंडन, केसर जहां, तो ये तो तब प्रतीत होगा कि ये सही मायने में कोई करने जा रहे हैं जब महिलाओं के को सशक्त किया जाएगा और पार्टी में जनाधार बनने का तो घोषणा है, धरातल पे कुछ नहीं। धन्यवाद।